बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बुशरा राना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़रई ख़बरें। नाजरीन, आज है 25 अगस्त बरोज़ मंगल साल 2020। कस्टम इंटेलिजेंस हुकाम ने पिछले दो रोज़ से पाकिस्तान भर में क्रैकडाउन करके मुल्तान, कराची, फैसलाबाद, हैदराबाद और लाहौर में ज़रई अद्वियात के मुतद्दिद इंपोर्टर्स के गोदामों से करोड़ों रुपए मालियत की लाखों बोरियां सल्फर कब्जे में ले लीं और मजीद कार्रवाइयां जारी हैं। कस्टम हुकाम का कहना है कि सल्फर के इंपोर्ट में बेजाब्तगियों का इर्तकाब किया गया है। मुतासरा कंपनियों का अदालत से रजू करने का फैसला। बारिशों के बाद के मुतद्दिद इजला में कपास की फसल पर सफ़ेद मक्खी, मिली बग और तेला का शदीद हमला होने के साथ साथ कपास की पैदावार कम होने का खदशा। एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत टास्क फोर्स राना अली अरशद ने कहा है कि जाली और गैर मयारी ज़रई अद्वियात फरोख्त करने वालों को मजीद मोहलत नहीं दी जाएगी। सियासी समाजी कारकुन ब्रिगेडियर रिटायर्ड कैसर अली महीने सुबह बनाए जाने के हवाले से मुल्तान की मरकजियत की अहमियत को उजागर करने के लिए निकाली जाने वाली रैली से खिताब करते हुए कहा कि सूबे का मरकज मुल्तान ही होगा। उन्होंने कहा कि अगर मुल्तान के अवाम को उनके इस हक से महरूम किया गया तो हुकूमत को शदीद एहतजाज का सामना करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि सरायकी खिते के किसानों को उस वक्त तक उनकी पैदावार की सही कीमत नहीं मिल सकती जब तक कि लाहौर के इख्तियार मुल्तान में शिफ्ट नहीं हो जाते। मौसम 25 अगस्त से 28 अगस्त के दरमियान शुमाली पंजाब के इलाकों सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, नारोवाल, झेलम, कसूर में मामूल से तेज़ बारिश का इम्कान है, जबकि जनूबी पंजाब के इलाकों मुल्तान, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। जी नाजरीन, खबरों का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।